खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। बताया जा रहा है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन से एक लोडर ट्रक रेलवे की बोगी को लोड कर जा रहा था। इसी दौरान अचानक पुल पर पहुंचते ही उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण ट्रक पलट गया। वहीं ट्रक पर लदे बोगी भी पुल पर पलट गया। हालांकि इस दौरान आवाजाही काफ़ी कम थी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा टल गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार पुल के दोनों रेलिंग पर ट्रेन की बोगी अटकी हुई है। गनीमत यह थी कि इस दौरान आवाजाही काफ़ी कम थी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा टल गया और कई लोगों की जान बच गई। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन बोगी को हटाने का काम शुरू कर दिया है। पुल के लोहिया पुल पर एक लोडर गाड़ी पर ट्रेन की बोगी को लेकर जाया जा रहा था, उसी क्रम में ब्रेक फेल हो जाने के कारण जो है ये गाड़ी जो है पलट गई है। और मुझे लगता है कि ड्राइवर की सूझबूझ के कारण एक बड़ी घटना से भागलपुर बचा है। आज साल के अंतिम दिन ये बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि ये लोहिया पुल है। इस लोहिया पुल पर कितनी भीड़ रहती है आप जानते हैं, लेकिन किसी पर भी जो है वार्ड संख्या 38 का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी हताहत की घटना नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना टली है, ईश्वर ने बचाया है। लेकिन अभी प्रशासन से हमने बात की है और जल्द से जल्द जो है इस पर वो आएगा, बचाव कार्य की टीम आ रही है। जल्द से जल्द यहाँ से जो है, क्योंकि रास्ता पूरा बाधित हो गया है, लोहिया पुल का ये मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग का तो बड़ा हादसा एक बड़ा हादसा टल गया है और बहुत बड़ा हादसा हो भी गया है। हादसा तो बहुत बड़ा ही हुआ है, जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है, कोई भी हताहत की सूचना नहीं है। हम लोग यहाँ जैसे घटना की सूचना मिली तो यहाँ पहुँचे हैं, प्रशासन के लोग भी आ गए हैं, धीरे धीरे बचाव कार्य किया है।